सो ये देखो, सबसे छोटा स्टूडेंट हमारी ट्यूशन का, उसे अभी नींद आ रही है। सो गरीबी में आटा गीला। सो गरीबी में आटा गीला क्या हुआ, पहले ही वीडियो देख लो। देखे कुछ समझ में आया? एक्चुअली क्या हो रहा था, मेरी पल्सर 220 का पिछला जो व्हील है वो थोड़ा सा जाम होके चल रहा था। काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व तो कर रहा था, मुझे लग रहा था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको अपन रिपेयर करवा लेंगे। अब टाइम मिल नहीं रहा था, आज जैसे तैसे टाइम निकाल के मैं मैकेनिक के शॉप पे गया तो जिस भैया से मैं काम करवाता हूँ यूजुअली उनकी तो शॉप बंद थी, तो एक दूसरे मैकेनिक और जिससे पहले काम करवाते थे तो अपन उसके पास चले गए। वहाँ पर मैकेनिक ने जैसे एयर निकालने के लिए घुमाया वहाँ पर बोल्ट, भैया उसमें से तो आपने देख लिया वीडियो में से ऑयल पूरा खोलने लग गया और जो पिस्टन होता है कैलिपर को चलाने के लिए वो हो गया जाम। अब मेरे पास दो ही उपाय हैं, या तो अगर वो रिपेयर हो सकता है कैलिपर तो अपन रिपेयर करवा लेंगे उसको, रिपेयर नहीं हो सकता तो नया डलवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि हो गया गरीबी में आटा गीला। देखिए अब वो पिस्टन जो था कैलिपर, मैंने लास्ट लद्दाख के टाइम पे नया डलवाया था जो कि करीबन 2500 के आसपास की कॉस्टिंग का आया था, ओरिजिनल पल्सर की तरफ से ही वर्कशॉप से लेकर आया था मैं। अब फिर से अगर मेरे को डलवाना पड़ गया और साल भर भी नहीं चल पाया तो क्या मतलब। तो अब देखते हैं, अपने वाले भैया की शॉप तो आज खुली नहीं थी, शाम में देखते हैं अगर खुली होगी तो बात करके आते हैं उनसे। गिरीश से नंबर मांगा है मैंने तो गिरीश ने नंबर भेज दिया होगा, नंबर आ जाएगा तो उनसे कॉल पे बात कर लेता हूँ शॉप कब खुलेगी, फिर उनको जाके दिखाते हैं। अगर रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और रिपेयर ना हो तो भैया फिर तो नया डलवाना पड़ेगा ना, तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं, तरावली जाने का सोच रहे थे अपन 2 तारीख को, तो करते हैं कुछ। अब चलो अभी तो आज दिन भर की कहानी यही है और देखते हैं क्या होता है आज। बोलता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें लिखा था कि इससे बुरा और क्या होगा। अब भैया इससे बुरा और क्या होगा, मतलब बुरा ही बुरा होते चले जा रहा है लाइफ में यार, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आए, कुछ तो अच्छा हो तो लगे कि भाई काम कर रहे हैं ज़िंदगी काट रहे हैं, यहाँ तो बुरे पे बुरा ही होता चला जा रहा है। चलो मिलता हूँ आगे। सो ये देखो, सबसे छोटा स्टूडेंट हमारी ट्यूशन का, उसे अभी नींद आ रही है, वो बैठे बैठे गिर रहा है, ये फिर गिरा, अरे बच गया, ये गिरा, ये सो गया, ये बहुत तेज़ नींद आ रही है भैया, अरे बाप रे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बाइक्स के पिछले ब्रेक हो गए खराब, तो अभी अपन आ गए हैं एक्टिवा पे और एक्टिवा से जा रहे हैं हम भैया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे से ना एक्टिवा चलती नहीं है अच्छे से, ये छोटे चक्के की आदत नहीं है ना अपने को, इसलिए तो थोड़ा अपन इससे बचते ही हैं कि ना चलानी पड़े जितना उतना अच्छा। लेकिन अब कुछ दिन तो देखना पड़ेगा, थोड़ा पहले भैया को दिखाया मैकेनिक, भैया को अगर रिपेयर हो जाए तो अच्छा, यार चेंज करा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो बजट टाइट है, मंथ एंड है, करते हैं कुछ जुगाड़, ढूंढते हैं कुछ।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठ रहा हूँ हेलमेट के अंदर माइक का सेटअप चेंज करने के लिए, थोड़ा सा उसको साइड में लगाने वाला हूँ। अभी जो माइक लगा है वो बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा या तो इस साइड या इस साइड, ताकि अपन देखते हैं कि उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या नॉइस के अंदर। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाइक का नुकसान तो हो गया, अब उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा, तो आने वाले कुछ दिन में अपन उसको भी ठीक करवाते हैं और फिर देखते हैं, राइड प्लान करते हैं। 2 तारीख की राइड अब शायद मुझे लग रहा है कि पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब बाइक नहीं है। एक्टिवा से मैं इतना लंबा जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को, मैंने बताया पहले भी आप लोग को कि मेरे को एक्टिवा इतना तो जमती नहीं है, चलाने में दिक्कत होती है, तो क्यों रिस्क ले, क्योंकि करीब करीब 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना मतलब 100 किलोमीटर की राइड है। तो अभी मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा, दिन वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए तो देखते हैं क्या रहता है। और वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो और नए हो तो लाइक सब्सक्राइब भूलना मत, और शेयर भी करो यार थोड़ा, और मेरे सब्सक्राइबर्स अभी काफ़ी कम है, बढ़ाने हैं अपने को जल्दी जल्दी, डाइवर्स एडवेंचर की फैमिली को बड़ा करना है। तो मिलता हूँ कल आप लोगों को मॉर्निंग में, और गिरीश के साथ, कल गिरीश आएगा पिकअप करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो उसके साथ ही जाना पड़ेगा ऑफिस। तो मिलता हूँ कल आप लोगों को मॉर्निंग में, तब तक लिता बोलूँगा स्टे सेफ और बाय फ्रेंड्स।